सीएनजी और रसोई गैस हुई महंगी, जाने कितने बढ़े दाम। किन राज्य के लोगों को लगा झटका। लोगों को लगातार महंगी गैस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के बढ़ते दाम से जूझना पड़ रहा है। अब एक बार फिर गुजरात चुनाव के बाद लोगों पर महंगाई की मार पड़ी है। राज्य में बुधवार से सीएनजी और पीएनजी के दाम बढ़ गए हैं। दरअसल गुजरात गैस ने सीएनजी और पीएनजी के दाम में 5% का इजाफा कर दिया है। गुजरात गैस ने सीएनजी के दाम में 5% की बढ़ोतरी की है और इसके बढ़े हुए दाम आज से लागू हो गए हैं। अब गुजरात गैस की सीएनजी के लिए आपको 78.52 रुपये प्रति किलो खर्च करने होंगे। वहीं पीएनजी का दाम 50.43 रुपये स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर तक पहुंच गए हैं। दोनों ही गैस में 5% का इजाफा हुआ है। गुजरात गैस ने दूसरी तरफ इंडस्ट्रियल गैस की कीमतों में 7 रुपये प्रति SCM की कटौती कर दी है। गुजरात गैस के इस कदम के बाद अब दिल्ली के IGL और मुंबई में MGL पर भी दबाव पड़ेगा। बता दें कि दिल्ली और NCR में CNG और PNG के दाम में IGL बदलाव करती है। पिछले साल IGL ने CNG और PNG के दाम में काफ़ी इजाफा किया था। वहीं दूसरी तरफ मुंबई महानगर में MGL के हाथों से CNG एवं PNG के दाम कंट्रोल किए जाते हैं। साल 2022 में MGL ने कीमतों में इजाफा करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। गौरतलब है कि साल 2023 के पहले ही दिन देश भर में कमर्शियल LPG की कीमतों में इजाफा हुआ था। हालांकि इसका असर घरेलू रसोई गैस पर नहीं पड़ा था। पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में लगातार तेजी का मुद्दा संसद के शीतकालीन सत्र में भी उठाया गया था। तब सरकार की तरफ से पेट्रोलियम राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने कहा था कि गैस की कीमतें कई आधार पर तय होती हैं। उन्होंने कहा था कि सरकार ने इसको काबू में रखने के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जनवरी 2021 से लेकर नवंबर 2022 के बीच गैस की कीमतों में 327% का उछाल आया है, जबकि भारत में CNG की कीमतें केवल 84% बढ़ी हैं। देश भर में कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में 25 रुपये की बढ़ोतरी की गई। 1 जनवरी 2023 से दिल्ली में कमर्शियल LPG की कीमत 1,769 रुपये हो गई है। आपको बता दें, सरकारी तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को गैस के दामों की समीक्षा करती हैं। कमर्शियल गैस की कीमत केवल दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश में भी बढ़ी है। दिल्ली के अलावा अन्य 3 महानगरों की बात करें तो 19 किलोग्राम वाला गैस सिलेंडर कोलकाता में 1,870 रुपये, मुंबई में 1,721 रुपये और चेन्नई में 1,917 रुपये का मिल रहा है। इससे पहले सरकार ने पिछले साल नवंबर में कमर्शियल LPG की कीमतों में 115.50 रुपये की कटौती की थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।